ये है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज आपसे बात करने वाला हूं मैं हिचकी फिल्म के 19 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। और स्माइल कर सकते हैं आप, क्योंकि इस फिल्म ने बीट कर दिया है आमिर खान की फिल्म पीके का रिकॉर्ड और बन चुकी है अब ये 5th हाईएस्ट बॉलीवुड अर्निंग चाइना फिल्म इन आई मीन 5th हाईएस्ट बॉलीवुड अर्निंग फिल्म इन चाइना, यानी कि इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली चाइनीज़ फिल्म बन चुकी है चाइना, आई मीन भारतीय सबसे ज़्यादा कमाने वाली चाइना में बन चुकी है पाँचवीं नंबर फिल्म। समझ गए होंगे, नहीं समझे मैं आपको क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। कभी कभी क्या मैं भी आगे पीछे बोल देता हूँ, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेने का। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिलहाल endgroup.cn पर, जहाँ पे कलेक्शंस आपको प्रॉपरता से बता दूँ $0.50 हो चुके हैं आज का कलेक्शंस, जो कल के कलेक्शन से $0.01 ज़्यादा है। वीकडेज चालू है, कलेक्शन ज़्यादा है, आई मीन बढ़िया है। और एडमिशन्स आप अगर आप देख सकते हैं, ओवर 1 लाख एडमिशन्स, 1,12,689 इज़ द एडमिशन काउंट, यानी कि इतने टिकट्स बिक गए हैं, ये कमाल का है। और यहाँ पे शोज़ की बात करें, फिल्म का शोज़ था 18,200-300 अपडेटेड होकर 18वें दिन का, जो 19वें दिन पे देख सकते हैं 20,428 है, 20,428, दैट मीन्स 2,300 के आसपास स्क्रीन्स में ग्रोथ देखी गई है। टिकट प्राइस थोड़ा कम हुआ है, $4.41 जो $4.45 तक चला गया था, स्टिल फिल्म इज डूइंग ग्रेट एंड टोटल हो चुका है $17.83 मिलियन। सबसे बड़ी बात है ये फिल्म चौथे नंबर पर है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्रिस्टल स्काई ऑफ येस्टरडे, एंड आई एम डैम श्योर कि इसे भी पीछे कर देगी बहुत जल्दी। और यहाँ पे पहले नंबर पे प्रीडेटर है, जो लगा था 5वें दिन भी फर्स्ट नंबर पे, उसका प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जिसका 31वां दिन हो चुका है। और यहाँ पे शेडो का भी 31 डेज हो चुका है। आप देखते हैं इन्हें क्या, इसे तो एक्सटेंशन मिलेगा पक्का मुझे लग रहा है, लेकिन इसे एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं, क्योंकि एक महीना तक पूरा एक रिलीज रहती है कोई भी फिल्मों की। एनी वे स्टिल इट इज़ गोइंग अ ग्रेट। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्रॉपर कलेक्शंस के मामले और बताता हूँ कि आखिर किस किस तरह से इसने पीके का रिकॉर्ड तोड़ा है। पीके का कलेक्शंस रिकॉर्ड 129 करोड़ के आसपास, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ये आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और यहाँ पर वीक 1 में जो हिचकी ने कमाई की थी 54.30 करोड़, सेकेंड वीक खत्म होने तक 102.22 करोड़ इसने कमा ली थी। और यहाँ पर अगर आज का कलेक्शन देखें $0.50 मिलियन जो हो चुका है 3.68 करोड़, यानी कि कल से 8 लाख ज़्यादा कमाई हुई है। अब यहाँ पर टोटल देखा जाए $17.83 मिलियन और यहाँ पे हो चुका है 131.29 करोड़। यस, द फिल्म हैज़ कलेक्टेड 131.29 करोड़ एंड इट हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ अ पी के लाइफ टाइम, दैट इज़ 129 करोड़। और यहाँ पर अब ये फिल्म क्या कहते हैं, बन चुकी है 5वीं सबसे ज़्यादा बॉलीवुड वाली फिल्म कमाने के हिसाब से चाइना में, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा कौन कौन सी फिल्म है आपको बताता हूँ। इसके ऊपर अभी है हिंदी मीडियम कुछ 196 या 197 करोड़ के आसपास है, उसके बाद आपको नज़र आएगी भजेंगी भाईजान जो 294-295 करोड़ के आसपास है, उसके बाद आपको नज़र आएगी दूसरे नंबर सीके सुपरस्टार जो 750 करोड़ के ऊपर है चाइना में, और उसके बाद दंगल जो 1,250 करोड़ के आसपास है, ठीक है, चाइना में। तो ये फिल्में इसके ऊपर है जिसका रिकॉर्ड तोड़ पाना इसके लिए मुश्किल है। हिंदी मीडियम तक तो ज़रूर शायद पहुंच सकती है लुढ़कते लुढ़कते किसी तरह से 194-195 करोड़ के आसपास, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यह है कि ये पीके का रिकॉर्ड ब्रेक कर दी, जो काफ़ी पुराना था, लेकिन 2-3 साल पुराना रिकॉर्ड तो था ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, मेरा प्रेडिक्शन तो याद ही होगा 150 से 170 करोड़, तो भैया इस बार तो भैया पूरा होना ही होना है चाहे जो भी हो जाए। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।